एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली हमारा नया सोफा आ चुका है और इसका जब पहला कदम घर पे पड़ेगा तो इसका एक क्लिप तो बनता है। तो मिथुन शूट कर रहे थे और इस टाइम में मैं थी बेडरूम पे, कुछ कपड़े फोल्ड कर रही थी। तो चलिए अभी थोड़ा सोफे को देखते हैं सेट करने के बाद वहां पे कैसा लगता है। जिस चीज का इंतजार था वो आ गया है, तो अभी बनने वाला है हमारा नया था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। हाँ, सोफे में बैठने का दिन आ गया। टीवी का प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि टीवी का जो स्टैंड है, 5 साल पहले का टीवी है, उसका जो बेस है वो मिल नहीं रहा है, वो कहाँ पे गायब हो गया है पता नहीं। और यहाँ पे हम वॉल माउंट नहीं करना चाहते बिकॉज इसका जो जगह है ना वो एकदम बराबर हो रहा है, तो प्रॉब्लम हो रहा है अभी। यहाँ पे एक प्लग पॉइंट है जो कि मिथुन के ऑफिस के लिए ये सेट किया गया था, तो अभी काम आ जाएगा। यहाँ पे बैठ के मिथुन जब ऑफिस करेंगे ना तो ये काम आ जाएगा, या मोबाइल चार्जिंग या कुछ भी। मजा आ गया। अभी बेड में बैठ के हमें खाना खाना नहीं पड़ेगा, अभी बेड में बैठ के ऐसे ही हमें टीवी देखना नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट सोफे में आराम से बैठ के टीवी देखेंगे। पर ये कुशन को लेके, कुशन की जरूरत नहीं थी, ये इसके साथ सेट में आया है और ये काफी है। और इस कुशन के लिए मुझे डर इसलिए लग रही है क्योंकि ऑस्कर और माइनर इसे नहीं छोड़ेगा, चबा देगा। ओम शांति ओम शांति ओम। मैं एक्चुअली माइलो को इस कमरे में बंद करके रखी थी, वरना बहुत भू करता। ये लोग आए थे ना, तो अभी छोड़ने के बाद देखते उसका रिएक्शन क्या है। क्या है मम्मा? सुसु करना बंद हो गया, क्या करे? यहाँ पे वो सुसु करता है, जब भी उसका मन करता है यहाँ पे सुसु करता था। रियली करता है, पर कल रात को क्या हुआ था कि मैं क्या पता कि यहाँ पे सुसु करके रखा है और ये रूम अंधेरा था। मैं बेडरूम में जा रही थी सोने और धड़ाम करके गिर गई और यहाँ पे चोट आया, कमर में चोट आया। कल रात का ही ये घटना है। वो का छेले यही भाव उठता है, तुम्हें सेटाओ जाना ना शेट। तो आज हमारा लंच है फेना भात और उसके साथ आलू का चोखा, और आलू के चोखे में बॉयल्ड एग भी ऐड किया गया है। और फेना भात यानी कि गोविंदभोग जो राइस होता है, तो वो राइस को स्टार्च के साथ बनाया जाता है, जिसका कंसिस्टेंसी थोड़ा सा दरदरा होता है, तो इसे हम कहते हैं फेना भात। और घी के साथ तो ये अमेजिंग लगता है। और आज रात को बनेगा कुछ स्पेशल, क्योंकि घर में आया है नया सोफा, तो कोई भी नया चीज़ अगर घर में आता है तो इसके लिए एक पार्टी तो बनता है, तो इसके कारण थोड़ा सा सिंपल रख रहे हैं हमारा आज का लंच। आजकल मुझे आइस वाटर बहुत पसंद आ रहे हैं, बहुत एक्चुअली शांति मिल रही है। ना ही कम्प्लीटली जो चिल्ड वाटर है फ्रिज का पानी वो भी मुझे पसंद नहीं है, और नॉर्मल पानी तो बिल्कुल भी पिया नहीं जा रहा है। तो आइस के साथ पानी मिक्स करके पीने में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सो गाइज, मैं नहा धो के आ गई हूँ और अभी मैं बनाऊंगी कुछ स्पेशल। एक्चुअली जैसे कि मैंने आपको बोला था कि सोफा आने की खुशी में आज मैं कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ, इटलियन या तो कॉन्टिनेंटल, वो देखते हैं कि क्या बनाए। फ्रिज में जो भी है उसके साथ ही कुछ बना लूंगी, पर आज जब स्पेशल कुछ बना रही हूँ तो क्यों ना नया बर्तन में बनाया जाए। तो ये है मेरा नया कुकवेयर, और जो आज मैं बनाने वाली हूँ उसके लिए मुझे चाहिए सॉस पैन और उसके साथ एक फ्राइंग पैन, जो कि मुझे मिला है इंडस वैली से। और इंडस वैली का सारे कुकवेयर सेट्स इतना मॉडर्न और ट्रेंडी है, मैं आपको क्या बोलूं। तो ये जब निकालूंगी तब आपको पता चलेगा। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। बहुत अच्छे से रैप होके आया है। ये मेरा फ्राइंग पैन काफी हेवी है, और हेवी कुकवेयर में जब भी आप कुकिंग करेंगे तो ऑयल छिड़कता कम है और नीचे बिल्कुल भी स्टिक नहीं होता खाना। और उसके बाद ये है मेरा सॉस पैन। और हाथ में हीट ना आ जाए तो इसलिए हैंडल में भी एक कोटिंग है, जो कि काफी कन्वीनियंट है।
ये दोनों ही जेनेरिक ट्रिपली नॉनस्टिक कुकवेयर है जो कि हेल्दी कुकवेयर है। और हेल्दी कुकवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है फूड को हेल्दी बनाने के लिए। पर ये हेल्दी कुकवेयर है क्या? जो यूटेंसिल्स कंपनी कुकवेयर बनाने के लिए फूड सेफ मटेरियल यूज करते हैं उसे कहते हैं हेल्दी कुकवेयर, और जिसमें कोई भी केमिकल कोटिंग नहीं रहेगा तो उसे कहते हैं हेल्दी कुकवेयर, जो कि इंडस वैली के हर एक जो यूटेंसिल्स है ये आपको ये सारे केमिकल और बैड मटेरियल फ्री मिलेगा। पर पता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना हेल्दी खाना बना रहे हो, पर हार्मफुल केमिकल आपके पूरे हेल्दी खाने को भी रुइन कर सकता है। इसलिए मैंने लिया है इंडस वैली का ट्रिपली स्टेनलेस स्टील कुकवेयर। ये है 100% टॉक्सिन फ्री, 100% प्रीमियम क्वालिटी का और फूड ग्रेड मटेरियल यूज किया गया है इसे बनाने के लिए, ताकि आपको खाने के साथ केमिकल कोटिंग मिक्स ना करना पड़े और सचमुच के आप बनाए एक हेल्दी डिश। मुझे तो इंडस वैली पे पूरा विश्वास है, तो इसलिए मैं घर पे लाई हूँ इंडस वैली का कुकवेयर सेट। अगर आपको भी मेरी तरह इन पे विश्वास है और आप भी एक हेल्दी कुकिंग बनाना चाहते हो तो जरूर चूज करें इंडस वैली का ट्रिपले स्टेनलेस स्टील कुकवेयर। वैसे तो इंडस वैली के जो कुकवेयर है ना ये बहुत रिजनेबल प्राइस में आता है, और इनके वेबसाइट में ना अगर आप जाके देखेंगे तो कुछ ना कुछ इनका ऑफर चलता ही रहता है। और इसे भी अगर सस्ता करवानी हो तो मेरा कूपन कोड जरूर यूज करना इंडस वैली के वेबसाइट में जाके, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। और हाँ, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ ये फ्राइंग पैन और सॉस पैन लिया है तो मेरा कूपन कोड सिर्फ ये दोनों चीज में ही वैलिड होगा, ऐसा नहीं है। ये आप उनके वेबसाइट में जाके कोई भी यूटेंसिल्स ले सकते हैं अपने पसंद से, तब भी मेरा ये जो कूपन कोड है ये वैलिड होगा। एक्चुअली आज मैं बना रही हूँ स्पैगेटी, तो ये आराम से बॉइल हो तब तक मैं इसकी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। और भी कई सारी चीजों की जरूरत पड़ती है ना। तो आज बनेगा श्रिम्प मशरूम स्पैगेटी। तो श्रिम्प को सबसे पहले मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी, एंड देन सेम ऑयल में मैंने ऐड किया है चॉप गार्लिक अनियन एंड ग्रीन बीन्स। इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। नॉर्मली जब भी हम श्रिम्प फ्राई करते हैं ना तो पैन के नीचे स्टेनलेस स्टील अगर हो तो पैन के नीचे ना बिल्कुल लाल होके ये जल जाता है और इसका स्टेन रह जाता है। पर आप यहाँ पे देख सकते हो जस्ट मैंने श्रिम्प फ्राई किया था इससे पहले ही, थोड़ा सा भी दाग नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं, कहीं पर भी आप देख लो। ये चीज़ मुझे इंडस वैली का बहुत अच्छा लगता है, ये देखिए, क्योंकि नीचे अगर जल जाता है तो क्लीन करने के टाइम में समझ में आता है कि कितना मुश्किल है उसे निकालना। तो अभी हम इसमें ऐड करने वाले हैं कट किए हुए मशरूम, देन श्रिम्प, अभी हम इसमें ऐड करने वाले हैं चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा और सॉल्ट, और अभी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ पास्ता सॉस। तो ये सॉस तो रेडी हो चुका है, तो अभी हम इससे इसमें शिफ्ट कर लेंगे स्पेगेटी के सॉस पैन को, और ये जो हमारा मिक्सचर है इससे हम डायरेक्टली डाल देंगे बॉयल स्पेगेटी पे, एंड देन उसके बाद अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और अभी मैं इस पैन में बनाऊंगी क्रीमी चिकन रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी होता है और पास्ता के साथ तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसमें मैंने डाल दिया है ऑयल और इसे थोड़ा सा गर्म होने दीजिए, ये थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद मैं इसमें फ्राई करने वाली हूँ पेपर और सॉल्ट से मैरिनेट किया हुआ चिकन। तो अभी हम सेम पैन में बनाएंगे व्हाइट सॉस, जैसे ये व्हाइट सॉस पास्ता हम बनाते हैं ना बिल्कुल उसी इंग्रेडिएंट्स और उसी टेक्निक को फॉलो करके हम इस सॉस को बनाएंगे। तो पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बटर, देन इसमें जाएगा चॉप्ड गार्लिक, थोड़ा सा सॉटे करना है, एंड देन गार्लिक जब थोड़ा सा फ्राई होने लगेगा तब हमें इसमें ऐड करना है ऑल पर्पस फ्लावर और मैदा, एंड देन मिल्क। देन इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ फ्राइड चिकन, एंड
ओरेगानो, चिली फ्लेक्स, और अभी हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम चीज। सॉल्ट अपने हिसाब से ऐड कर लेना। जब फ्रेश क्रीम यूज किया जाएगा देन थोड़ा सा शुगर तो बनता है, तो थोड़ा सा शुगर। और अभी हम इसमें ऐड करने वाले हैं फ्रेश क्रीम। और ये जो रेसिपी है इसका जो ग्रेवी है ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना ग्रेवी चाहिए। आप अगर किसी के साथ से खाना चाहते हो तो ग्रेवी थोड़ा सा ज्यादा रखिएगा, और अगर आप इसका थोड़ा सा टाइट ग्रेवी रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और अभी इसमें स्प्रिंकल करेंगे परमेसन चीज, देन थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, फाइनली जो जिसका इतने दिनों से हमारा ख्वाहिश था कि यहाँ पे बैठ के हम खाएंगे पियेंगे, थोड़ा सा टीवी को एंजॉय करेंगे और आराम से बैठ के सो के लेंगे आराम से बैठ के, वो आज पूरा हो रहा है। लेकिन मेरा इच्छा था सोने का, इनके लिए वो नहीं कर पा रहा। नहीं अगर तुम्हें सोना है तो वो रूम भी तो ठीक था ना, हम यहाँ पे क्यों आए? नहीं नहीं मुझे कभी बैठना है कभी सोना है तो इसके लिए तो ये जगह है, वो आप कर सकते हो। पर वो वक्त नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सो के टीवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे हमेशा बैठ के टीवी देखना है। थोड़ा सा ऐसे कर जाओ वो अलग बात है, थोड़ा सा ऐसे मोड़ना होता है ऐसे मोड़ना होता है वो अलग बात है, पर एटलीस्ट ठीक ठाक से बैठ के सोफे पे ना मैं ऐसे फॉर्मली बैठ नहीं पाती, ऐसे मैं नहीं बैठ सकती। लोगों के घर में जाती हूँ तो अलग बात है, मैं हमेशा ऐसे बैठती हूँ, इसमें मैं कम्फर्टेबल फील करती हूँ। तो चलो आर्यन भी आ रहा है। अरियन आ रहा है, अरियन क्या जूस लेगा मुझे पता नहीं, तो इसलिए अरियन के जूस नहीं जाएगी। उसका क्लास और 10 मिनट में खत्म हो रहा है। ओके, अरियन का जूस का पसंद कुछ और ही है। चलो एक चीयर्स तो घूमता है। हाँ, चीयर्स। इतने टाइम तक कुकिंग करने के बाद ना थोड़ा ठंडक मिल रही है, अच्छा लग रहा है। क्या स्पेगेटी? नहीं चिकन के, क्रीमी चिकन। ये भी अच्छा बना है लेकिन मुझे चीज का स्मेल पसंद नहीं, भी एक प्रॉब्लम। बहुत यम्मी बना। मिथुन का एक कॉल अभी बाकी है, वो हो जाए उसके बाद हम टीवी ऑन करेंगे। ऑन तो हो चुका है पर मूव भी चलाएंगे। रात की अभी 10:45 बज चुके हैं और थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है ऑफिस में, तो थोड़ा मिथुन को भी इन्वॉल्व करना पड़ा, तो अभी टीवी देखना बंद। तो अभी चलते हैं माइलो के पास, आर्यन और माइलो को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर लेते हैं। ओले ओले কি করা হচ্ছে ব্যালকনিতে বসে বসে ঝিমোচ্ছ, তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। ये जो प्लांट था ये एक ह्यूज प्लांट है और उतना ही भारी है, तो ये था एक्चुअली वहाँ पे जहाँ पे अभी सोफा है, तो इसे पकड़ के यहाँ पे लेके आना पड़ा। ये आर्यन का रूम है, आर्यन के रूम के बैल्कनी पे, और वो जगह खाली करना पड़ा। आज एक्चुअली सुबह से लेके बहुत ज्यादा काम था, मिथुन कल तक मुझे नहीं बोले थे कि आज सोफा आने वाला है, क्योंकि मुझे पता था कि अप्रैल की 1-2 तारीख आ जाएगा या 3-4, मुझे इतना याद ही नहीं है एक्चुअली, दिमाग से निकल गया, 1 महीने पहले बुक किया था। कल तक नहीं बोले कि आज सोफा आने वाला है, कुछ भी वहाँ से हटाया नहीं गया, सारी चीज़ें वैसे का वैसा है। उसके बाद मिथुन किसी को फ़ोन कर रहे थे तो मैंने सुना, क्या बोल रहे थे कि कब निकलेंगे आप लोग वहाँ से और यहाँ पर आप लोग कब पहुँचेंगे, मतलब कौन आने वाला है, आज सोफा डिलीवरी करने वाला है, मतलब सोफा डिलीवरी करने वाला है और वहाँ पे कुछ नहीं हटाया गया अभी तक। बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम दोनों मिल के हटा देंगे। सारे चीजें वहाँ से हटाया गया और जब कोई जगह खाली रहता है तो वहाँ पे ऐसे ही आप कुछ ना कुछ ऐसे डाल के रखोगे, तो वो सारे चीजें वहाँ पे फैला हुआ था, दोनों मिलकर उसे हटाया, सारी चीजें सेट किए और उसके बाद से तो आप लोग जानते ही हो, सोफा आया, सेट किया, कुकिंग किया, खाना खाया, टीवी देखा और फिर मिथुन का फिर से ऑफिस से कॉल, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है एक्चुअली।
अभी नीचे जाना पड़ेगा, सारे लाइट्स ऑफ करना पड़ेगा, बच्चों को खाना खिलाना पड़ेगा, बच्चे वहां पे इंतजार करते हैं हम लोगों के लिए। ऑस्कर का यहाँ पे कोई काम हो या ना हो, वो यहाँ पे ही रहेगा, जहाँ पे डरा वहां पे ऑस्कर। अभी देखते ही देखते एक साल कंप्लीट हो जाएगा इस साल जुलाई में इस घर पे। जब इंटीरियर का काम स्टार्ट किया था, कब होगा, कब काम होगा, कब हम इस घर में रहना शुरू करेंगे, कितने सारे चीजें, और अभी देखो एक साल भी होने को है। कैसे पूरा टाइम बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता, किस तरह से एक एक दिन यहाँ पे हम बिताए हैं, सारे चीज़ें हमने ऑर्गेनाइज किया है, शिफ्टिंग कंप्लीट किया, सारे मतलब छोटे छोटे चीज़ भी अपने अपने जगह पे रखा। तो ऐसे घर को ऑर्गेनाइज करना, पूरा सेट करना बहुत मुश्किल है। मैंने कई बार किया है तो इसलिए पता है बहुत मुश्किल है, पर आपका अगर इस चीज़ में इंटरेस्ट होना तो आपके लिए तो ये इजी हो जाएगा, वरना इतने सारे घर चेंज करना रेंट का ही क्यों ना हो, पर पूरा घर तो सेट करना पड़ा ना। और ऑब्वियसली मिथुन और आर्यन भी बहुत मदद किए थे मुझे, अदरवाइज अकेले के लिए तो पॉसिबल नहीं था। पर हाँ, खुद का भी दिमाग लगाया, खुद का भी टाइम इन्वेस्ट किए, साथ ही साथ में ब्लॉग भी मैंने स्किप नहीं किया, ब्लॉग भी करती रही। ब्रांड एंडोर्समेंट जब आता है तो उसे भी मैंने पेंडिंग नहीं रखा, वो भी करती गई इसके साथ साथ। सबसे बेस्ट नींद कब आता है पता है, कि समर हो फिर भी आपको कंफर्टर ओढ़ना है, कैसे, खिड़की दरवाज़ा सब कुछ बंद करना है, फैन ऑन करना है और साथ में एसी, एकदम चिल्ड एसी के साथ आप जब सोओगे तो एक कंफर्टर ओढ़ के उफ इतना अच्छा नींद आती है कि अलार्म बजने पर भी उठने का मन नहीं करता। कभी कभार होता है, मेरे साथ भी कभी कभार होता है कि नींद से जब जागती हूँ तो मतलब सुबह सुबह उठने के बाद सोफे पे बैठ जाती हूँ तो ऐसे ही बैठने का मन कर रहा है, मिथुन आज चाय बनाने का भी मन नहीं कर रहा है, तब मिथुन जाके चाय बना लेते हैं, उसके बाद सोफे में बैठ के चाय पी लेती हूँ। और ऐसा नॉर्मली होता है मेरा वीकेंड पे, जबकि आर्यन का स्कूल नहीं रहता उस दिन, जानबूझ के मैं लेजी हो जाती हूँ, लगता है कि चलो आज तो सुबह उठने का कोई रीजन भी नहीं है और हाउस हेल्पर भी नहीं आते, ऑस्कर वालों को वॉक करवाने के लिए भी नहीं आते, तो यही वो दिन है, मतलब संडे की मैं बात कर रही हूँ, यही वो परफेक्ट डे है जिस डे पे आप अगर चाहे तो लेजी बन सकते हैं, तो उस दिन लेजी बनने का बहुत मन करता है। और संडे नॉर्मली मैं वीडियो भी नहीं बनाती, सैटरडे का वीडियो अगर कभी कभार पेंडिंग रह जाता है तो संडे थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ, वरना इतना छोटा हो जाएगा ब्लॉग, इसलिए अदरवाइज संडे मैं वीडियो शूट नहीं करती। बहुत पहले छोड़ दिया था, मिथुन के साथ मेरा एक झगड़ा हो गया था, लिटरली झगड़ा हो गया था कि कोई भी इंसान जब काम करता है तो एटलीस्ट वीक में एक दिन तो छुट्टी जरूर लेता है, पर तुम एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते, संडे भी तुम ब्लॉग बनाती रहती हो। तो एक दिन बहुत झगड़ा हुआ था, उस दिन के बाद से मैं संडे ब्लॉग नहीं बनाती बहुत, अगर स्पेशल कुछ हो जाए तो बना लेती हूँ, अदरवाइज नहीं बनाती। तो चलिए आज इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई है और 5:30 बजे मुझे उठना पड़ता है, तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ, तो उनके लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।